नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक चैनल में। आज हम बात करेंगे हाइड्रोसील और ऑर्काइटिस के बारे में। ये दोनों समस्याएं केवल पुरुषों को ही होती हैं और ये अंडकोश की बीमारी है और इसमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पुरुषों में सूजन होती है। तो चलिए बात करते हैं हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील में क्या होता है, पानी भरने लग जाता है टेस्टिस के चारों तरफ, अंडकोश में पानी भरने लग जाता है, उसको हाइड्रोसील कहा जाता है। छोटे नवजात बच्चों में यह कॉमन चीज़ होती है। अक्सर छोटे नवजात जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंडकोश में पानी भरा रहता है और वो धीरे धीरे अपने आप डिजॉल्व हो जाता है और वो अपने आप नॉर्मल आकार में आ जाता है। लेकिन यही कोई बड़े पुरुष में हो रहा हो, टीनेज पुरुष है या बड़ी उम्र का पुरुष है, तो वो चोट लगने की वजह से भी हो सकता है या इन्फेक्शन की वजह से पानी भर सकता है। ये अक्सर पेनलेस होता है, लेकिन अगर साइज में बड़ा हो जाए तब पेनफुल भी हो सकता है हाइड्रोसील, और डिस्कम्फर्ट तो पैदा करता ही है चलने फिरने में। ये हमेशा अक्सर देखा गया है, गेंद लग गया अंडकोश में तब इसमें पानी भरने लग जाता है या कोई इन्फेक्शन हो गया हो तब। अब बात करते हैं हम ऑर्काइटिस के बारे में। इसमें भी क्या होता है, इसमें सूजन हो जाती है टेस्टिस में और इसको ऑर्काइटिस कहा जाता है। इसके लक्षण हैं, ब्लड आने लगता है सीमन में, ब्लड आता है पेशाब करने के समय भी, इसमें काफ़ी तेज़ दर्द होता है ऑर्काइटिस में। हाइड्रोसील में शायद ना भी रहे, लेकिन ऑर्काइटिस में जो सूजन हो कि उसमें दर्द काफ़ी हो सकता है। ऑर्काइटिस का कारण हो सकता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वायरल इन्फेक्शन जैसे मम्स हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये चीज़ें ऑर्काइटिस को बना सकती हैं और इसमें अल्ट्रासाउंड से भी पता कर सकते हैं हम कि हाइड्रोसील कितने ग्रेड का है, ऑर्काइटिस के इस समय स्टेटस क्या है, ये चीज़ें पता की जा सकती हैं डायग्नोसिस के जरिए। बाकी लेफ्ट राइट में हो सकता है हाइड्रोसील ऑर्काइटिस, बाएं अंडकोश में भी हो सकता है या दाएं में हो, या दोनों में भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक दवाइयों की। हाइड्रोसील की पहली चर्चा करते हैं। बाएं अंडकोश में अगर सूजन हो तब पल्सेटीला 200 सुबह शाम पेशेंट को लेना चाहिए। बाएं अंडकोश में अगर सूजन हो तब पल्सेटीला 200 होम्योपैथिक दवा पेशेंट को 3-3 बूंद सुबह शाम लेना चाहिए। छोटे बच्चों में यह रोग हो जाए तब ग्रेफाइटिस 30 सुबह शाम लेना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हुए 12-15 साल के हैं बच्चे, 18 साल तक के बच्चों में अगर हो रहा है हाइड्रोसील तब ग्रेफाइटिस 30 सुबह शाम बच्चा ले सकता है। जब त्वचा में दाने दब जाने से यह रोग हो जाए, जैसे त्वचा में दाने थे वहाँ क्रीम मलहम लगाया गया और उस वजह से वो दबने के बाद से अगर अंडकोश में सूजन आ रहा है तब हेलाबोरस 30 दवाई काम में आती है। हेलाबोरस 30 अगर स्किन इरप्शंस को दबाया गया है ऑइंटमेंट्स के द्वारा और उसके बाद से अंडकोश में सूजन पाई गई हो। डंक मारने जैसा दर्द हो और अंडकोश बढ़ता चला जाए तब एपिस मेलिफिका 30 या एपिस मेलिफिका 200 सुबह शाम पेशेंट को देना चाहिए। अगर डंक मारने जैसा दर्द होता है अंडकोश में, चुभन होती हो बहुत तेज़ी से और बढ़ता ही जा रहा है, पेशेंट कह रहा है डॉक्टर साहब ये हर हफ्ते हर 15 दिन में बढ़ रहा है, हमारा हर महीने बढ़ता जा रहा है ये, उसमें एपिस मेलिफिका 30 या एपिस मेलिफिका 200 सुबह शाम लेना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक पावर की दवा लेनी चाहिए पेशेंट को। दाईं तरफ का अंडकोश का रोग हो, अगर दाईं तरफ का अंडकोश सूज रहा हो उसमें रोडोडेंड्रॉन 200 सुबह शाम लेना चाहिए पेशेंट को। 3-3 बूंद या 4-4 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट टंग पे ले सकता है पेशेंट। चोट लगने के बाद से हाइड्रोसील हो जाए उस समय आर्निका 200 सुबह शाम लेना चाहिए। जैसे गेंद लग गया हो किसी को, उसके बाद से दर्द और उसमें सूजन टपकन हो रही हो, उस केस में आर्निका 200 सुबह शाम पेशेंट को 3-3 बूंदें सुबह शाम लेनी चाहिए आर्निका 200। और भी दवाइयां इसमें उपयोगी हैं जैसे साइलिशिया 30 या लाइकोपोटियम 1 mg। साइलिशिया 30 सुबह शाम पेशेंट ले सकता है। अगर बाकी ऊपर वाली दवाइयों से आराम ना मिले सिम्टम्स के आधार पर तो साइलिशिया 30 भी सुबह शाम ले सकता है। यह पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करा देती है साइलिशिया 30 होम्योपैथिक दवा,
और लाइकोपोडियम 1 mg अगर ऊपर की कोई भी दवाई पेशेंट सुबह शाम ले रहा है तो लाइकोपोडियम 1 mg हर हफ्ते, लाइकोपोडियम 1 mg पावर की 1000 पावर, 1 mg को 1000 बोला जाता है, लाइकोपोडियम 1000 पावर की हर वीक एक डोज लेना है, हर हफ्ते एक डोज ओनली 1 mg में, 2-3 बूंद ले ली और फिर हर हफ्ते वो एक डोज को रिपीट करना है। बाकी जो ऊपर की दवाई होती हैं वो सुबह शाम ले सकता है, लेकिन लाइकोपोडियम 1 mg का रिपीटेशन नहीं करना है, हर हफ्ते रिपीट होगी, रोज़ रिपीट नहीं करना है लाइकोपोडियम को। अब बात करते हैं हम आर्काइटिस की दवाई की, जिसमें अंडकोष में सूजन हो जाती है, रोग की शुरुआत हो, अगर अंडकोष की सूजन की शुरुआत हो रही है उसमें पल्सेटिलर 30 सुबह शाम लेनी चाहिए। अगर इससे अच्छा फ़र्क पड़ा है, आराम मिला है, तो पल्सेटिलर 200 अगले महीने से 30 के बाद 200 पावर में पेशेंट को जंप करना चाहिए और पल्सेटिलर 200 दवाई सुबह शाम लेनी चाहिए। सूजन हो, लाल हो और गर्म हो अंडकोष, अगर सूजन तेज हो, लाल लाल हो रहा हो और गर्म हो, उसमें बेलाडोना 200 ले सकता है पेशेंट सुबह शाम। अंडकोष में सूजन और डंक मारने जैसा दर्द हो, हाइड्रोसिल में भी हमने पढ़ा कि अगर अंडकोष में सूजन और डंक मारने जैसा दर्द हो तो एपिस मेलिफिका 200 सुबह शाम पेशेंट ले सकता है या दिन में एक बार पेशेंट ले सकता है। सूजन पत्थर की तरह सख्त हो, जलने व कटने जैसा दर्द हो, सूजन हो कहीं एकदम हार्ड, टेस्टिस एकदम हार्ड लगता हो पत्थर जैसा, और जलने व कटने जैसा दर्द होता हो, उसमें कोनियम 200 भी अच्छा वर्क करती है, दिन में एक बार पेशेंट कोनियम 200 ले सकता है। बायोकेमिक एक दवा आती है मैकफॉस 6X, इसकी 2-2 टैबलेट सुबह शाम पेशेंट खा सकता है। मैकफॉस 6X में ये ट्राइचुरेटेड शीशी आती है, इसकी 2-2 टैबलेट सुबह शाम पेशेंट ले सकता है बाकी अन्य दवाइयों के साथ। तो ये मैंने आपको कुछ दवाइयाँ बताई हैं हाइड्रोसिल और आर्काइटिस के बारे में। अगर आपको दवाइयों में कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमसे बताए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या अपने किसी निजी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेके आप दवाई खा पी सकते हैं। अगर कोई आपको नाम में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, और ऐसे ही हेल्दी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।